जानकारी देने वाली बुक। क्या हुआ तुम्हें शिजुका? आज का टेस्ट बहुत ही आसान था, लेकिन मुझसे थोड़ी गलती हो गई। हाँ शिजुका, मतलब तुमने भी वही किया? कोई बात नहीं। हाँ? क्योंकि हमेशा परफेक्ट होना कितना बोरिंग होता है, कभी कभी गलतियाँ करना बुरी बात नहीं होती है। क्या सच में? मुझे 0 मार्क्स मिले हैं, फिर भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। शिजुका नोबिता, तुम हमेशा से ही ऐसे हो, तुम शिजुका की बात को कभी नहीं समझते। आखिर वो मेरे बारे में कहना क्या चाहता है? मैं ज्यादा ये गैजेट इस्तेमाल करता हूँ और ये वाले कम करता हूँ, तो इसीलिए इनको अंदर रख देता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मैं अपनी पॉकेट को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। अरे ये क्या है? अरे हाँ, इस्तेमाल करने से पता लग जाएगा कि ये क्या है। जानकारी देने वाली बुक। जानकारी क्या? ये जंप बॉल है, चलो इसे पढ़ते हैं। इसे किसी फ्लैट जगह पर रखो, किसी को इस पर खड़े रहने के लिए कहो और जंप शब्द बोलो। ये क्या था? अरे हाँ हाँ, अब समझ गया, ये एक जंप होल है। अब मैं समझ गया। दिखाओ तो। ये इस जंप होल गैजेट की इंस्ट्रक्शन बुक है। इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा इसका ध्यान कैसे रखना है और इस्तेमाल करने में कोई परेशानी हुई तो उसका सलूशन कैसे मिलेगा, सब लिखा है। इस जानकारी बताने वाली गैजेट की मदद से तुम किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो नोबिता। मुझे भी बताओ। तकिए के आगे का हिस्सा होता है और पीछे का भी। कम दिखने वाले हिस्से को आगे करो। जब नीचे बैठोगे तो इस पर पैर नहीं रखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर इसे आधा मोड़कर तुम तकिया भी बना सकते हो। अरे वाह, पता नहीं तुम इसे किस लिए इस्तेमाल कर रहे हो। ये गैजेट बहुत ही आसान है। डोरेमोन तुम पर इस्तेमाल करो। क्या मेरे बारे में जानकारी? अरे इस पे तुम्हारे बारे में कितना कुछ लिखा है। नाम है डोरेमोन, ये कैट टाइप रोबोट है। ये 3 सितंबर 1912 को बनाया गया था। ये अपना रेगुलर मेंटेनेंस नहीं करता है, तो हो सकता है इसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी ना हो। क्या कहा इसने? अगर तुम उससे कुछ मांगना चाहते हो तो उसके लिए डोरा किक तैयार रखना, वो कभी मना नहीं करेगा। ये सब गलत है, मैं इसे रख रहा हूँ अंदर। रुको, नाश्ता कर लो नोबिता। डोरा किक। खाने के बाद बाथरूम साफ कर देना, ठीक है? हाँ। और फ्लोर और विंडोज भी साफ कर देना, और हाँ कुछ सामान भी लाना है। वो गैजेट बिल्कुल सही था। नोबिता तुम्हें आगे नहीं जाना चाहिए। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि वहाँ जियान है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा है। hey, तुम सब भाग क्यों रहे हो? काश मैं इस गैजेट से जियान के बारे में कुछ पता लगाता। क्या ये इंसानों के बारे में भी बताता है? पता चल गया। hey, नोबिता, हम बिल्कुल सही वक्त पर मिले हैं। आज मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। चलो इसके बारे में पढ़ लूँ। इसका नाम तकेशी गोड़ा है, ये एक लड़का है। अरे ये सब बातें तो मुझे पता है। उसके परिवार की एक दुकान है, वो दुकान सब्जियाँ और फलों की है। जब कोई मैच में गलती करता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे ये सब बातें तो मुझे पता है। अरे जरूरी बातें कहाँ लिखी है? मिल गई। उसका मूड फिर से ठीक करने के लिए मुझे उससे थोड़ी मार खानी होगी। अब मुझे अच्छा लग रहा है। अरे नोबिता,
उसकी जानकारी पहले मिलने पर भी तुम कुछ नहीं कर पाते। हाँ डोरेमोन, अगली बार ध्यान रखूंगा। अरे शिज़ुका, ठीक है, इस गैजेट की मदद से मैं उसकी जानकारी निकालता हूँ कि उसे क्या पसंद है। हाँ, ये क्या है? ये कितनी बड़ी है ना, लड़कियों को समझना वाकई काफी मुश्किल है। अच्छा, शिज़ुका को पसंद है, बस इतना ही? उसके कपड़े? अरे क्या हुआ? तुमने उसे नाराज कर दिया इसलिए। पर डोरेमोन इस जानकारी के हिसाब से। लेकिन इस पेज पर ये लिखा है कि उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हें इस बुक को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए नोबिता। नोबिता तुम बहुत बुरे हो। अरे ये क्या किया? सुनियो, उन्हें कहा परिवार के बारे में, उसकी पसंद का ये बाल बनाना। अरे मिल गया। तुम क्या करने वाले हो नोबिता? खतरा। हाँ। अगर तुमने ये सब किया तो सुनियो का पूरा मूड खराब हो जाएगा। अब मैं सुनियो को बताऊंगा। अरे नहीं, तो क्या? ये लो ये लो ये लो। मेरे बाल खराब हो गए, देखो ना। मजा आ गया। अरे नहीं, तुम्हें जानबूझकर ये सब नहीं करना चाहिए। शिज़ुका कहाँ चली गई होगी? मैं अब उसे कैसे खुश कर सकता हूँ? पता नहीं इस बुक में वैसा कुछ होगा या नहीं। अरे वो वहाँ है। अरे वाह, बेक स्वीट पटेटो। ये बहुत स्वादिष्ट है ना, क्यों? लेकिन इससे तुम्हारा पेट खराब हो सकता है। अरे तुम इसे नहीं खरीदोगी? पटेटो 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 पटेटो, शायद ये खराब हो गया, अब क्या करूं? चलिए इसकी मदद से देखते हैं। अरे ये क्या? हाथ के साइड से थोड़ा इस तरफ से टेढ़ा करके अपनी पूरी ताकत लगाकर इसे इस जगह से घुमाओ, फिर ये ठीक हो जाएगा। ये ऐसे ठीक हो जाएगा? अगर इसमें ऐसा लिखा है तो करके देखते हैं ना। ठीक है, इस तरह। कहीं ऐसा करने से ये खराब ना हो जाए। पटाटो ले लो, स्वीट पटाटो ले लो, ये बहुत ही। ये तो ठीक हो गया, तुमने मेरी मदद की इसलिए ये ले लो। अरे वाह, ये मैं सब शिज़ुका को दूंगा। अरे रुक जाओ, पहले इसमें पढ़ कर देखो नोबिता। शिज़ुका को बेक स्वीट पटेटो देने का सही तरीका। अरे अगला पेज कहाँ है? जब इसमें इस बारे में लिखा है तो ऐसा ही करना चाहिए, हमें समझ गए। हाय, क्या हुआ दोस्तों? वो तुमसे मिले बहुत दिन हो गए थे, इसीलिए मिलने आ गए। लेकिन हमें देकी सुगी को क्यों मिलना है? क्योंकि यही पहला स्टेप है। ओ बेक स्वीट पटेटो, क्या स्वादिष्ट लग रहे हैं, क्या मैं एक ले सकता हूँ? ये वहाँ पार्क के बाहर उस तरफ बिक रहे हैं। क्या सच में? ठीक है, मैं वही जाता हूँ। ये ठीक है। और अब हाँ, हाय शिज़ुका। देखी सुखी, तुम्हें बेक स्वीट पटेटो पसंद है? हाँ, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट से भरे हुए रहते हैं और फाइबर, जो शरीर के लिए अच्छा होता है। वैसे तुम सच ही कह रहे हो, और ये टेस्टी भी तो होते हैं। शिज़ुका, क्या तुम्हें चाहिए? नहीं शुक्रिया। अगर ये सब झूठ निकला तो सब लोग नाराज हो जाएंगे। हमें सिर्फ इस बुक पर भरोसा करना है। ये क्या है, मुझे दिखाओ। ये तो मुसीबत हो गई, हमें जल्दी से भागना होगा। ये अचानक सब कहाँ गायब हो गए? ठीक है, अगला स्टेप है, ज्यादा से ज्यादा खाना खाओ। सुनो नोबिता, तुम क्या कर रहे हो? देखो वो आ गई, ये लो। मैं और नहीं खा सकता, शिज़ुका तुम भी खा लो ना। वो तुम इतना कह ही रहे हो तो ठीक है, मैं ले लेती हूँ। अरे वाह, जल्दी से उसके पास से चले।
हेलो गाइस, माय नेम इज आदित्य। आप मुझे नो बताओ मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। वीडियो बनाने खातर मैं मेरे पास टिकटॉक स्टाइल भी है, देख लो, और मेरे पास और बहुत कुछ है आपको दिखाएंगे। आप मुझे कमेंट में नो बताना मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। ओके, मैं किस टॉपिक पर यूट्यूब चैनल बनाऊं मेरा। मेरे पास वीडियो बनाना ये भी है और रुको एक सेकंड रुको, मेरे पास ये भी है ग्रीन स्क्रीन कपड़ा। आप मुझे नू बताओ मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। मैं जी तो नू कर रहा है एक नाई किनारा नाटक बना लूं। नाई किनारा कोशिश करके देखूंगा, बढ़िया आपको बढ़िया लगे तो मुझे कमेंट में बता देना नाई किनारा नाटक खींचा बना है। और मुझे पहली बार मना रहा हूँ नाई किनारा नाटक, कोशिश करके देखूंगा, मन गया तो। मेरे पास ये है, बहुत बड़ा है, आपको दिखाता हूँ एक सेकंड रुको, बहुत बड़ा है, बाद में दिखाएंगे आपको यो कितना बड़ा है, रुको अभी दिखाएंगे एक सेकंड रुको। मैं लबाई को बुला रहा हूँ, सचिन को, सचिना सचिना रिंकू, सचिना बोलिए, वहाँ मेरी बेबी है रिंकू का नाम रिंकू है। एक सेकंड रुको आपको संगली दिखाएंगे, ये मेरी संगल है, संगल देख लो कैसी लगी। ये अभी मैं 300 रुपये में बेच रहा हूँ, कमेंट में बता देना लेनी है तो। पूरा छीना वह देख लो तमन्ना है, आपको वो सीन तो बाद में आएगा, इतना तमन्ना तो मिला दूं आपको। ये बाइक है, ये हमारा बाइक है, बाइक कैसा लगा। हेलो दोस्तों, मैं इसका छोटा भाई हूँ और ये मेरी सबसे छोटी बेटी है पंगी। बाइक कैसा है, लड़ाई मत करो। बता दी माँ, इनका रोज का काम है, इनका नींबू का केक रोगे। इन नींबू का मेरी माँ की सिर में दर्द हो रहा है और इसको नमक इसको चीर कर इसमें छेद करके इसमें नमक डालकर मेरी मम्मी को दूंगा और आधा मैं खा लूंगा, आधा मेरी मम्मी खा लेगी। और वो क्या बोलते हैं उसे, गिड़का होता है ना, तो उसमें गिड़का, हाँ डिडका, उसमें आराम हो जाता है, मतलब घबराहट सी होती है, चक्कर आते हैं ऐसे वैसे, तो उसमें आराम हो जाता है। अब ये मैं मेरी मम्मी को दूंगा काट कर, इससे आराम हो जाएगा। मेरी मम्मी कहाँ है, मेरी मम्मी अंदर है, तो आपको हमारी मम्मी से मिलवाते हैं। ये मेरी मम्मी है, आज मेरी मम्मी को बुखार हो चुकी है, अभी मेरी मम्मी फोन को देखकर थोड़ी स्माइल भी कर सकती है। इसके बारे में हम आपको कुछ राय देना चाहते हैं। मेरी मम्मी कह रही है कि मेरा सिर दबा दो, मैं कह रहा हूँ कि गेटवा दबा देता हूँ तो सारा काम ही हो जाएगा, और इसी बात पर सिर दबा देता हूँ। और मेरा नाम सचिन है और मेरी मम्मी का नाम आप हंसना मत केला देवी। एंडी व्लॉग बनावा नहीं तो देख ली। ये बाइक है, बाइक कैसा लगा आपको, तो मेरा नहीं है, मैं मजाक कर रहा था, यो मेरा बाइक का बाइक है, आपको ऊपर दिखाएंगे बहुत कुछ। हमारा सुबारा कैसा लगा, सुबारा दिखाएंगे आपको, सुबारा देख लो फुट्टा फुट्टा है, काम चलाऊ है सुबारा, सुबारा होना चाहिए, किसा आए हो है ना। हाँ, आप कमेंट में जरूर बताना कि टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, ब्लॉग वीडियो बनाऊं क्या, कुछ भी आप कमेंट में बता देना मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। ओके,
यहाँ पर एंड करते हैं। बाय।